नहीं, बहुत फर्क पड़ रहा है। और जिस प्रकार राहुल जी गुजरात में गए और कांग्रेस साफ हो गई, बिहार में गए और कांग्रेस साफ हो गई, उत्तर प्रदेश में गए और कांग्रेस साफ हो गई, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी राहुल जी के आने से कांग्रेस साफ हो जाएगी, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सर, वो कैलेंडर तय हुआ था, उस हिसाब से तो बैठक चल रही है, वो बैठक ही चल रही है अभी, और कैलेंडर के हिसाब से ही कार्यक्रम हो रहा है। इंदौर के लिए बोला गया कि विकास नहीं हुआ है। देखिए, ये राहुल जी की गलती नहीं है कि इंदौर में विकास नहीं, ये उन्होंने बोला, ये इनके स्क्रिप्ट राइटर की गलती है जो उनको भाषण लिख के देते हैं। कम से कम उन्हें इस बात की चिंता करना चाहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स जैसे लोगों ने जब सारे शहरों का सर्वे किया कि देश के उभरते हुए शहर कौन से हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंदौर शहर को देश का पाँचवें नंबर का शहर बताया, हिंदुस्तान टाइम्स ने चौथे नंबर का शहर बनाया, और नारायण मूर्ति ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि सेंट्रल इंडिया का आईटी का ये हब बनेगा इंदौर में, इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर को जिस शहर में राहुल गांधी जाएँ उसकी जानकारी लेके फिर राहुल जी से बुलवाना चाहिए। और राहुल जी के इस बयान से पूरे इंदौर की जनता बहुत मुस्करा रही थी मंद मंद कि इतना बड़ा नेता और सामान्य ज्ञान नहीं जिसका। क्राइम कैपिटल भी कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा यार, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। मुजफ्फरनगर बन रहा है सर, आप क्या मानते हो? सर, चुनाव आयोग को जो शिकायत की गई है या सिर्फ फॉर्मेलिटी हो? देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर अब सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा एक पेचीदी बात अभी जो निकली है कि पूर्व कोयला सचिव पारीख ने पहले ये कहा कि मैंने रिकमेंड जरूर की, पर इसमें प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं कोल ब्लॉक आवंटन में। आज उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया कि 2005 में मैंने उस समय के कैबिनेट सचिव चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा और मैंने कहा कि सरकार में कोल माफिया है। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को कोल आवंटन के सारे दस्तावेज को सार्वजनिक करना चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री जी की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत बहादुरी से कहा कि सीबीआई मुझसे बड़ी नहीं है, तो सीबीआई को अब चाहिए कि अपनी निष्पक्षता के लिए प्रधानमंत्री से पूछे, पारीख से पूछे। 2005 में पारीख ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा है उसको सार्वजनिक करें, और अगर प्रधानमंत्री उसमें कटघरे में हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तब सीबीआई की निष्पक्षता इस देश के सामने प्रकट होगी। जो भारतीय जनता पार्टी का कैलेंडर है उसके अनुसार काम चल रहा है। अनंत कुमार जी कल से यहीं पर है, सारे उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जा रही है, और उसके बाद कभी भी किसी भी समय चुनाव समिति को बुलाकर उसके बीच में डिस्कस होगा। जी, राहुल जी ने जो भी कहा इंदौर में, जो भाषण दिया मुजफ्फरनगर के बारे में, मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि हम पहले से ही आरोप लगाते आए हैं कि आईबी और सीबीआई कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है। कल उन्होंने स्वीकार किया वे संवैधानिक पद पर नहीं है, वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, तो आईबी का कौन सा अधिकारी उनके पास गया और उनको जानकारी दी? उसको सार्वजनिक उन्हें करना चाहिए, और वो अधिकारी किस हैसियत से राहुल गांधी के पास गए वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, और वो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि सीबीआई और आईबी कांग्रेस के इशारे पर काम करती है। कल राहुल जी ने के साहसिक बयान से इसकी पुष्टि भी हो गई।